हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। इस वीडियो में जो हम मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं वो है CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ इसी चैप्टर के लिए नहीं, ये और भी बहुत सी जगह यूज आता है। जैसे CA फाइनल में, जैसे सिक्योरिटी वैल्यूएशन का जो टॉपिक है उसमें भी ये मॉडल का यूज होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल है। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, पहले तो हम देखेंगे कि मॉडल होता क्या है, इसका यूसेज क्या है, और ये मॉडल किस बेसिस पे बना है, उसका पूरा कंसेप्ट हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये मॉडल होता क्या है, CAPM। तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बेसिकली क्या बताता है, इट एस्टेब्लिश करता है रिलेशन, किसमें, रिस्क और रिटर्न में। सो एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। इसीलिए बताता है कि अगर आप इतना रिस्क ले रहे हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलना चाहिए। ओके, तो इस तरह से एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। ओके, रिटर्न और रिस्क में। सबसे पहले तो हम रिस्क समझने की कोशिश करते हैं कि रिस्क क्या है। ओके, रिस्क दो तरीके की होती है, एक होती है सिस्टमेटिक रिस्क, एक होती है अनसिस्टमेटिक रिस्क। ओके, अनसिस्टमेटिक रिस्क होता क्या है? अनसिस्टमेटिक रिस्क होती है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क का क्या मतलब है कि वो रिस्क जो किसी कंपनी से स्पेसिफिकली रिलेटेड है, वो पूरी इकोनॉमी को, पूरे सिस्टम को इंपैक्ट नहीं करती है, वो सिर्फ उस कंपनी से या थोड़ा वाइडर रेंज में बोला जाए तो या उस इंडस्ट्री को इंपैक्ट करती है, कंपनी को या इंडस्ट्री को। ओके, जैसे किसी कंपनी में लेबर की स्ट्राइक हो जाती है, ओके, तो उससे उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता गुड्स का। ओके, तो ये जो सिचुएशन है, ये जो रिस्क है, वो सिर्फ उस कंपनी को इंपैक्ट कर रही है, वो पूरे एनवायरनमेंट पे, पूरी इकोनॉमी को इंपैक्ट नहीं कर रही, राइट? तो वो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होती है, वो रिस्क अनसिस्टमेटिक रिस्क कहलाती है। ये रिस्क कंपनी के खुद के कंट्रोल में होती है। ओके, तो वो होती है अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क जो होती है वो पूरी इकोनॉमी को इंपैक्ट करती है, पूरी इकोनॉमी को इंपैक्ट करती है। जैसे इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाती है तो किसी एक सेगमेंट, एक इंडस्ट्री, एक कंपनी में इम्पैक्ट नहीं करती है, वो पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है। जैसे अभी COVID-19 की क्राइसिस चल रही है, राइट? ये क्राइसिस ने किसी एक कंपनी को इम्पैक्ट नहीं किया, इसने पूरे सारे सेगमेंट्स को, सारे इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया है। तो ये ओवरऑल इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी लेवल का फैक्टर है। ओके, तो ये जो रिस्क होती है ये सिस्टमेटिक रिस्क होती है। तो सिस्टमेटिक रिस्क पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है, पूरे मार्केट को इम्पैक्ट करती है, जबकि अनसिस्टमेटिक रिस्क जो होती है उस किसी कंपनी स्पेसिफिक को इम्पैक्ट करती है। ओके, कंपनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक को। ओके, तो ये तो हो गया रिस्क। अब एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, ओके, और उसमें अगर कोई क्राइसिस चलती है, ओके, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? जैसे आपने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, उसमें कुछ लेबर प्रॉब्लम चल रही है, तो प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, सेल ढंग से नहीं हो पा रही है, तो ऐसे इसको आप मिटिगेट करने के लिए क्या करोगे? आप उस कंपनी से पैसा निकालोगे, अपने इन्वेस्टमेंट निकालोगे और दूसरी जगह इन्वेस्ट करोगे। ओके, तो ये जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होती है ना, इसको आप मिटिगेट कर सकते हो। ओके, मिटिगेट कैसे कर सकते हो? डाइवर्सिफिकेशन से। मतलब आपको पता है कि ये सेगमेंट या ये कंपनी या ये इंडस्ट्री थोड़ी रिस्की है, ओके, तो आप उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए दूसरी कम रिस्की इंडस्ट्री में, कम जो रिस्क वाली कंपनी होती है उसमें इन्वेस्ट करते हो। ओके, तो इस तरह की जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होती है, कंपनी स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क, उसको आप मिटिगेट कर सकते हो। और मिटिगेट करने के लिए क्या करते हो? डाइवर्सिफिकेशन करते हो। ओके, तो इस रिस्क को एक और नाम देते हैं, इसको डाइवर्सिफिएबल रिस्क बोलते हैं। ओके, डाइवर्सिफिएबल रिस्क। जबकि सिस्टमेटिक रिस्क जो होती है वो क्या होती है? वो तो पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है। ओके, किसी इंडस्ट्री को, किसी कंपनी स्पेसिफिक को तो करती नहीं, पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है।
तो चाहे आप पैसा इस कंपनी में लगाओ, इस इंडस्ट्री में लगाओ, दूसरी इंडस्ट्री में लगाओ, वो सबको इम्पैक्ट कर रही है सिस्टमेटिकली। तो इसलिए इसको आप डाइवर्सिफिकेशन से कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको मिटिगेट नहीं कर सकते, तो ये नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क होती है। ओके, तो कई बार कंफ्यूजन आता है कि सिस्टमेटिक कौन सी, अनसिस्टमेटिक कौन सी। तो ऐसा याद रख सकते हो, सिस्टमेटिक रिस्क जो होती है वो पूरे सिस्टम को इम्पैक्ट करती है। सिस्टमेटिक मीन्स इस तरह से याद रखते हो, पूरे सिस्टम को इम्पैक्ट करती है वो सिस्टमेटिक रिस्क। पूरा सिस्टम मतलब पूरे इकोनॉमी को। अनसिस्टमेटिक जो पूरी एक सिर्फ एक इंडस्ट्री को या किसी कंपनी स्पेसिफिक को इम्पैक्ट करती है। ओके, सिस्टमेटिक पूरे सिस्टम पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है। ओके, तो ये तो बात हुई रिस्क की। इसको आप डाइवर्सिफिकेशन से कंट्रोल कर सकते हो, इट्स अ डाइवर्सिफिएबल रिस्क, इट्स अ नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क। ओके, अब जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो या कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो आप रिस्क लेते हो। ओके, अगेन रिस्क दोनों तरीके की होती है, सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक। तो जितनी आप रिस्क लेते हो उतने उसके अकॉर्डिंग आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो। ओके, ठीक है। तो जब हम एक्सपेक्टेड रिटर्न की कैलकुलेशन करते हैं कि मुझे कितना रिटर्न मिलना चाहिए, ओके, तो उसकी कैलकुलेशन करते टाइम हम रिस्क को कंसिडर करते हैं, राइट। जितनी रिस्क लेंगे उतना ही तो रिटर्न मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न की कैलकुलेशन करने के लिए हमें रिस्क को कंसिडर करना पड़ता है। ओके, तो कौन से रिस्क को कंसिडर करना होता है, इसको इसको या दोनों को? तो ये वाली रिस्क जो होती है ये कंसिडर नहीं होती है जब आप एक्सपेक्टेड रिटर्न की कैलकुलेशन करते हो। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये रिस्क को कंट्रोल करना आपके खुद के हाथ में है। अगर आपको लगता है किसी कंपनी में रिस्क है, किसी इंडस्ट्री में रिस्क है, तो आप डाइवर्सिफाई करके उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये रिस्क आपके खुद के हाथ में है और आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। ओके, इसलिए एक्सपेक्टेड रिटर्न की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क को कंसिडर किया जाता है। अनसिस्टमेटिक रिस्क आपके खुद के रिस्क है जो आप कंट्रोल कर सकते हो, तो सामने वाली कंपनी आपको उसके लिए क्यों रिटर्न देगी? ओके, तो सामने वाली कंपनी आपको उसी के रिटर्न देगी जो रिस्क आप एक्चुअली ले रहे हो। ये रिस्क आप खुद मिटिगेट कर सकते हो अपनी स्ट्रेटेजी से। ओके, तो सिस्टमेटिक रिस्क जो होता है वो ही हम यूज करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न की कैलकुलेशन करने में। ओके, अब सिस्टमेटिक रिस्क जो होती है वो मेजर होती है बीटा से, इज मेजर्ड बाय बीटा। ओके, तो एज आई मेंशन सिस्टमेटिक रिस्क जो होती है पूरे इकोनॉमी की होती है, पूरे मार्केट की होती है, पूरे सिस्टम की होती है। तो जो मार्केट का बीटा होता है, तो जो मार्केट का बीटा होता है वो होता है वन, इट इज मेजर्ड एज वन। मार्केट का बीटा वन होता है, सिस्टमेटिक रिस्क इज मेजर्ड बाय बीटा, मार्केट का बीटा होता है वन। लेट्स से कोई कंपनी है उसके स्टॉक का बीटा है 1.5, इसका मतलब वो स्टॉक मार्केट के कंपेटिवली ज्यादा रिस्की है। मार्केट का बीटा है 1, ओके, उसमें मतलब सिस्टमेटिक रिस्क है 1, जबकि इसका बीटा 1.5 है, मतलब वो ज्यादा रिस्की है। इसका मतलब अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है, अगर मार्केट 1 से नीचे आता है तो ये स्टॉक जो होगा 1.5 से नीचे आएगा, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वो 1 से ऊपर जाता है, 1.5 से ऊपर जाएगा। तो इट मींस ये ज्यादा रिस्की है। और इसी तरह से अगर दूसरी कंपनी का बीटा 0.8 है, इसका मतलब मार्केट से कम रिस्की है। ओके, तो इस अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन सी कंपनी ज्यादा रिस्की है, कौन सी कंपनी का स्टॉक कम रिस्की है। ओके, और जब हम सब रिस्क के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि रिटर्न कितना मिलना चाहिए। ओके, अब आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि सिस्टमेटिक रिस्क क्या होती है, अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होती है। और सिस्टमेटिक रिस्क को हम बीटा से मेजर करते हैं और मार्केट का बीटा हमेशा 1 होता है। ओके, कंपनीज का बीटा 1 से ज्यादा 1 से कम हो सकता है, तो उस अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कंपनी कितनी रिस्की है। और जितनी ज्यादा रिस्क होती है इन्वेस्टर उतना ही रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, तो अब हम रिटर्न की कैलकुलेशन करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे सीएपीएम मॉडल में रिटर्न की कैलकुलेशन कैसे होती है। ठीक है, उससे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं इक्विटी शेयर के पर्सपेक्टिव में। तो जब हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती क्या है, तो हमने क्या पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब वो रेट ऑफ रिटर्न जो कि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है। इन्वेस्टर जितना रिटर्न एक्सपेक्ट करता है दैट इज व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
इक्विटी शेयर के केस में भी सेम चीज है, शेयर होल्डर जितने रिटर्न एक्सपेक्ट करता है दैट इज व्हाट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। तुम्हें एक्सपेक्टेड रिटर्न देखना है कि शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, 1 लाख रुपए आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए, ओके। आप क्या करते हो, इस 1 लाख रुपए को बैंक में इन्वेस्ट कर देते हो, ओके। अब बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो सेविंग्स अकाउंट में या कहीं, वहां पे आपकी कोई रिस्क है क्या? रिस्क है क्या? बैंक में कोई रिस्क नहीं होती, सो रिस्क इज जीरो, ओके। आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? लेट्स से आपको 5% मिल रहा है, ओके। इसका मतलब आप जीरो रिस्क ले रहे हो तो आपको 5% रिटर्न मिल रहा है, मतलब इट इज कॉल्ड आरएफ, रिस्क फ्री रिटर्न इज 5%, ओके। अब अगर मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि आप शेयर मार्केट में जाओ, ओके, तो शेयर मार्केट में जो इंडेक्स होते हैं, जो मार्केट बेस्ड इंडेक्स होते हैं, उनमें आप इन्वेस्ट करो, ये जो 1 लाख रुपए हैं आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, और मैं आपको यहाँ पे भी 5% रिटर्न दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ऐसा कहता हूं तो बताइए आप इन्वेस्ट करेंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हमें पता है कि शेयर मार्केट रिस्की है। आपको बिना रिस्क के लिए आपको 5% रिटर्न मिल रहा है, तो आप रिस्क लेके सेम रिटर्न क्यों लोगे? जो बिना रिस्क के आपको 5% मिल रहा है तो आप रिस्क लेके क्यों लोगे 5% के रिटर्न? तब ऐसा क्या किया जाए कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो? ऑब्वियसली शेयर मार्केट में मेरी रिस्क बढ़ रही है तो मुझे रिटर्न भी ज्यादा चाहिए, ओके। लेट्स से अगर आपके रिटर्न को हम 6% कर दें तब भी इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रिस्की है, तो इतने से रिटर्न से काम नहीं चलेगा, तो आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए, ओके। लेट्स से आपको 15% रिटर्न का ऑप्शन देते हैं, तब आप इन्वेस्ट करोगे क्या? हाँ, इस केस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो लेट्स से मार्केट आपको 15% का रिटर्न देता है। अब मार्केट में रिस्क कितनी है? तो जैसा मैंने बताया, रिस्क, व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्क इन द मार्केट, इट्स ऑलवेज सिस्टमैटिक रिस्क, ओके। सिस्टमैटिक रिस्क किससे मेजर होती है? सिस्टमैटिक रिस्क बीटा से मेजर होती है। बीटा, मार्केट का बीटा क्या होता है? मार्केट का बीटा होता है 1, ओके। और तो मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया है शेयर मार्केट में, और 1 बीटा मतलब 1 यूनिट की रिस्क लिया है, तो आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? 15%। तो जीरो से आपने अपना रिस्क बढ़ा दिया, जीरो को 1 कर दिया, ओके। आपका रिटर्न 5 से बढ़ के 15 हो गया, मतलब 0 से 1, मतलब आपने एक्स्ट्रा रिस्क कितने ली? आपने एक्स्ट्रा रिस्क लेट से आपने 1 यूनिट की ली है, ओके। आपको एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिला है? आपको एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिला है? 10%। दिस माइनस दिस, इसको बोल सकते हैं ये हो गया रिटर्न ऑफ मार्केट, आर एम माइनस आर एफ। आप हमेशा एक्स्ट्रा रिटर्न ही तो देखोगे। देखो बिना रिस्क के लिए 5% तो आपको वैसे भी मिल नहीं रहा था, 5% तो आपको चाहिए ही चाहिए किसी भी सूरत में, ओके। 5% तो चाहिए ही, बट अब आप रिस्क ले रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, राइट। तो वो एक्स्ट्रा रिटर्न कितना होगा? वो रिस्क लेने के कारण, इतने रिस्क लेने के कारण आपको एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिल रहा है? आपको 10% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, ओके। तो एक्स्ट्रा रिस्क आपकी 1 की हुई, तो एक्स्ट्रा रिटर्न आपका 10% हो गया। आपको 5 तो हमेशा चाहिए, 5 तो हमेशा आपको चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए कि मुझे एक्स्ट्रा कितना मैं रिस्क लेने पे कितना मिल रहा है, ओके। तो आपने 1 की रिस्क ली, आपको 10% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिला, ओके। ये तो आपका मिनिमम है, आरएफ तो आपको हमेशा चाहिए, उसके ऊपर आपको ये जो डिफरेंस है ये कहलाता है रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम इज नथिंग बट आरएम माइनस आरएफ, ओके। तो इस सिचुएशन में आपने 1 यूनिट की एक्स्ट्रा रिस्क ली है, तो आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है, ओके। अब मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूँ कि शेयर मार्केट में, अभी तो आपने शेयर मार्केट इंडेक्स लाइक एग्जांपल उसमें इन्वेस्ट किया, ये शेयर मार्केट में एक स्टॉक है एक्स का, स्टॉक एक्स कंपनी का, एक्स कंपनी का बीटा जो है वो है 1.5 है। अब मैं आपको कहता हूँ कि आप ये 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट से हटा के इस स्पेसिफिक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, 1.5 बीटा वाले में,
तो मैं आपको 15% रिटर्न यहाँ दे दूंगा। तब आप एग्री करोगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि यहाँ वन की रिस्क ले रहे हो, अभी आप इस सिचुएशन में हो, वन की रिस्क ले रहे हो, तो आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है, तो आप 1.5 की रिस्क में भी सेम लोगे क्या? ऑब्वियसली नहीं। तो मैं आपको फिर ऑप्शन देता हूँ कि आप मार्केट से निकाल के स्टॉक एक्स में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, और स्टॉक एक्स का बीटा है 1.5, तो मैं आपको सेम 15% रिटर्न दूंगा। तो आप एग्री करोगे? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक का बीटा 1.5 है। 1.5 का मतलब क्या हुआ? ये ज्यादा रिस्की है। तो जब आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो आपको रिटर्न भी ज्यादा चाहिए। ओके, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अब कितना रिटर्न चाहिए आपको ताकि मैं आपको कन्विंस कर सकूं कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, तो अब आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, कि आपने जब रिस्क फ्री से आप मार्केट में आए, ओके, तो आपने एक्स्ट्रा रिस्क कितने ली? वन की। तो आपकी एक्स्ट्रा रिस्क थी वन की, तब आपका रिटर्न कितना, आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम कितना मिला? ओके, एक एक्स्ट्रा रिस्क ली आपने वन की, तो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिला? 10 का। तो अगर आप 1.5 की रिस्क लोगे तो आपको कितना रिटर्न चाहिए? ओके, तो सिंपल सा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, मतलब इसको ऐसा करोगे 10 × 1.5, तो आपको 15% का क्या चाहिए? 15% का एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए। ओके, 15% का एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, रिस्क फ्री तो चाहिए ही चाहिए, तो 15% एक्स्ट्रा चाहिए। 5 तो है ही आपका रिस्क फ्री, वो तो चाहिए, 15 एक्स्ट्रा चाहिए, तो मतलब आपको 20% रिटर्न चाहिए टोटल, तब ही आप इस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करोगे। ओके, तो कंसेप्ट समझ गए आप? ओके, कि आपका रिस्क फ्री रेट है वो तो आपको चाहिए, ठीक है, अब उससे ज्यादा, ओके, आपको कितना चाहिए? रिस्क प्रीमियम, मार्केट माइनस रिस्क प्रीमियम, वो आपका रिस्क प्रीमियम हो गया। फिर अगर आप सिक्योरिटी में जिस भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करोगे, ये तो आपको मार्केट में इन्वेस्ट करने का हो गया। देखो, वापस एक बार बताया था, जब आप बैंक में थे तो आपका रिस्क 0 थी, रिटर्न 5% था, जब मार्केट में आपको आने को बोला तो आपको रिस्क कितनी ली आपने एक्स्ट्रा? 1 की, 1 यूनिट की। ओके, तो आपका रिटर्न कितना हो गया? 15। तो एक्स्ट्रा 1 रिस्क के लिए आपको 10% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिला। ओके, दैट इज रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री, मतलब आपका रिस्क प्रीमियम हो गया 10%। ओके, तो 1 यूनिट रिस्क के लिए आपको 10% एक्स्ट्रा रिटर्न मिला, 1 यूनिट मतलब 1 बीटा रिस्क के लिए आपको 10% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिला। तो यहाँ पे आप 1.5 यूनिट के रिस्क ले रहे हो, 1.5 बीटा के रिस्क ले रहे हो, 1 के लिए 10 मिला, तो 1.5 के लिए कितना मिलना चाहिए? तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न 15 मिलना चाहिए, या 1 यूनिट के लिए 10 का एक्स्ट्रा रिटर्न मिला, तो 1.5 के लिए 15% का इस स्टॉक में, क्योंकि आपकी रिस्क 1.5 है, तो आपने एक्सपेक्टेड मुझे एक्स्ट्रा कितना रिटर्न चाहिए उसके लिए आपने क्या किया, हमने यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब यहाँ पे हमने क्या कर दिया? बीटा। ओके, तो अब देखो, अगर आप ये नीचे वाली लाइन देखोगे तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया। तो हमारा पूरा फॉर्मूला क्या हुआ? एक्सपेक्टेड रिटर्न का, कि सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने में कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए, उसका फॉर्मूला हो गया कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू आरएफ दैट इज रिस्क फ्री रेट प्लस आरएम माइनस आरएफ दिस इज आवर रिस्क प्रीमियम, ओके, मल्टीप्लाई बाय बीटा, बीटा ऑफ द सिक्योरिटी। अगर मुझे स्टॉक एक्सचेंज एक्स में इन्वेस्ट करना है तो मुझे कितना रिटर्न चाहिए? रिस्क फ्री तो चाहिए, ठीक है, प्लस मार्केट में इन्वेस्ट करने का कितना प्रीमियम है, ये हमारा यहाँ का प्रीमियम, ओके, आर एम माइनस आर एफ मल्टीप्लाई बाय बीटा, उस सिक्योरिटी का बीटा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे जो रिटर्न आएगा, इस केस में हमारा रिटर्न कितना आएगा? 15 + 5 = 20। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, अगर मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ तो ये मेरा इतना रिटर्न मुझे मिलना चाहिए। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर का क्या मतलब हुआ? कि अगर हम किसी सिक्योरिटी में इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करें तो हमें कितना रिटर्न मिलता है, ओके, कितना रिटर्न मिलना चाहिए, दैट इज और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ हम वही एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न इसमें आंसर आता है दैट इज व्हाट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, तो फॉर्मूला रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय बीटा, बीटा उस शेयर का, उस इक्विटी शेयर का जिसमें हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका बीटा। तो आर एम माइनस आर एफ ये हुआ रिस्क प्रीमियम, जो मार्केट में इन्वेस्ट करने पे हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलता है, एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है, दैट इज रिस्क प्रीमियम,
मल्टीप्लाई बाय सिक्योरिटी का बीटा, क्योंकि हम उस स्पेसिफिक हम मार्केट में नहीं, हम स्पेसिफिक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने बीटा से मल्टीप्लाई किया, स्पेसिफिक इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए बीटा से मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी अवर एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, और एक्सपेक्टेड रिटर्न इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ दैट स्टॉक इक्विटी शेयर। ओके, सो इस तरह से सीएपीएम मॉडल होता है, इस तरह से फॉर्मूला डिराइव हुआ है और इस तरह से हम कॉस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं सीएपीएम मॉडल में। ये मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके फ्यूचर में सीए फाइनल में भी मॉडल काम में आएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपके कंसेप्ट समझने में, अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।